हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो हमारी इंटरनल असेसमेंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के ऊपर रहने वाली है। जैसा कि काफी स्टूडेंट्स को इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि काफी कोर्सेज में आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, किसी में फुल दिखेगी और किसी में आपको ये हाफ दिखेगी, जिसमें आपका 3.3% ही होगा, जबकि आपने ये सारी असेसमेंट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं दोनों ही अटेम्प्ट्स को, तब भी आपको किन्हीं सब्जेक्ट्स में फुल लाइन दिखेगी ग्रीन और किन्हीं सब्जेक्ट्स में हाफ लाइन ग्रीन दिखेगी, यानी 3%। तो आज की वीडियो में इसी को हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। जैसे कि आप सब देख ही पाएंगे कि ये ग्रीन लाइन 3% दिख रही है, इसको पूरा 100% करके दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अपना असेसमेंट कंप्लीट करना है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत, अभी तक आपने अपने दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, और अपने आप पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए शिवदास की 10 ईयर ले सकते हैं। इसमें आपको सारी प्रीवियस ईयर उसी के साथ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको इस टाइप की बुक मिलेगी जिसमें सबसे पहले आपको सिलेबस समझाया जाएगा कि आपको यूनिट कौन कौन सी पढ़नी है, जो कि आपकी 4 यूनिट रहने वाली है। उसी में आपको हर यूनिट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसी में लास्ट में आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर जो कि सोल कंडक्ट करवाता है, उनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, जिससे आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आप आंसर्स को देख सकते हैं इसमें कि किस टाइप से आंसर का मॉड्यूल होता है और कैसे कैसे लिखना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात से शुरुआत करते हैं, आपको पूरा पीछे बैक पे ले जाते हैं। देखिए, जैसे आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस शो होगा, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको आ जाना है कोर्सेज पे, कोर्सेज पे आके आपको आ जाना है वी ऑलर पे। अब इनके देख लेते हैं कौन कौन से पूरे ग्रीन हो चुके हैं। नीचे मॉक टेस्ट वो ग्रीन सबका ही हो जाएगा, फिर ऊपर करते हैं ये भी ग्रीन है, फिर ये भी ग्रीन है, फिर ये भी ग्रीन है, फिर ये देख सकते हैं, ये देखिए ये हमने खोल लिया अकाउंट्स का। मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा बार बार, तब ये आपका होगा, एक बार में नहीं होगा। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका एक बार में सब कुछ यूनिट 1 ओपन होके आ जाएगी, तो हमें सब में मार्क्स रीड कर देना है फिर आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं 6% है, इसे अभी पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। मार्क्स रीड किया, ये 10% हो गया। फिर आगे चलते हैं, हमें पूरी एक एक हिसाब से यूनिट कंप्लीट आपको करके देखनी पड़ेगी, फिर हमें मार्क्स रीड कर देना है। देख सकते हैं ऊपर परसेंटेज अपने आप बढ़ता जा रहा है, तो जिनको इशू था तो इशू नहीं है, ये आपको खुद से मार्क्स कंप्लीट कर करके कंप्लीट करना पड़ेगा। देख सकते हैं 13 से 16 हो गया, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे आपको बढ़ते रहना है। तो 100% करने में ऐसे टाइम लेगा, बस आपको बताना था कि कैसे करना है। हो सकता है एक दो बार इशू आए तो आपको दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना है, तो आपके सामने आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस टाइप का आ गया, तो अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं 1.3 पे, तो हमें ऐसे टिक टिक करके जाना है। 23% हो गया, ये ऐसे आगे आगे करके बढ़ता ही रहेगा, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, तो ऐसे देखिए आपको ये आगे आगे से कंप्लीट करते जाना है। 6% से 66% पे ले आए, ऐसे हमें 100% पे ले जाना है, और ये हमारा ऑटो फिर सबमिट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि सारे 100% हो रखे हैं, तो एक दो सब्जेक्ट को 3 या 6% पे क्यों रखना, सबको 100% कर लीजिए, जबकि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास करने का तरीका है। चलिए, करने का तरीका पहले नहीं पता था, अब तो पता चल गया हो, तो अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अभी ये तरीका पता चला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो अपना 100% करने वाले हैं, क्योंकि 100% देखिए दे रखा है तो किसी वजह से ही दे रखा होगा, तो हमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है जिससे कोई इशू आए, तो हमें पूरा से पूरा कंप्लीट करके रखना है। देख सकते हैं 90% पे आ गए हम, और आगे बढ़ते हैं, ये और आगे बढ़ता जाएगा, 93 पे आ गए हैं, ये 96 पे आ गए हम। तो आपके साथ भी इस टाइप का इश्यू हो सकता है कि कोई कोई आप पे दबे ना, इस टाइप से यस क्लिक ना हो। देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ पर इस पर क्लिक नहीं हो रहा, तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आपको एक बार लॉग आउट कर देना है फिर दोबारा लॉग इन करना है, तो ये आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी सब पे देख सकते हैं टिक हुआ हुआ है, ये एक रह गया जिस पे टिक नहीं हुआ यूनिट 1 पे, ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी ये सब चीज़ें थी जो आपको बतानी थी कि आपको कैसे कंप्लीट करना है, ये देख सकते हैं ये एक हो ही नहीं रहा है, कब से कर रहे हैं, तो आप इसे लॉग आउट करके लॉग इन कीजिएगा, हो जाएगा।
बाकी यहाँ पे आपको 100% दिख ही जाएगा। एक बार ये दोनों टैब और खोल लीजिएगा अगर कुछ मांगेगा तो, इन दोनों टैब को भी खोल के देख लेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी मांगे आपसे उस पर टिक टिक करके आगे बढ़ा देना है हमें। ये एक नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, ओपन करने को कह रहा है तो ओपन कर लीजिएगा। बाकी यही था आज की वीडियो में जो आपको बताने के लिए कहा था कि जो आपको बताएंगे, ऐसे ही आपको जितने भी सब्जेक्ट्स का 3% दिखा रहा है, 6% दिखा रहा है, इसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्लिक ना हो तो आप इस मार्क एस रीड पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा, फिर हमें आगे बढ़ा देना है। इस टाइप से आएगा, आपको क्या करना है, मार्क एस रीड पे क्लिक कर देना है, उस पर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा यस। ये बात आपको समझ में आ गई, ऐसे ऐसे करके आपको सारे क्लिक कर देना है, ये आपका 100% हो जाएगा। तो आज की वीडियो में यही आपको बताना था जो आपको बता दिया गया है। तो अपने मार्क्स भी एक बार अटेम्प्ट पे क्लिक करके दोनों खोल के देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है कैसे क्या करना है। जितने स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे कि सर मेरा 3% शो हो रहा है, 3% शो हो रहा है, लीजिए 100% कीजिए, जितना करना है कीजिए आप, ये सब आपके हाथ में है, बस आपको यस यस क्लिक करते जाना है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।